नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, नवरात्रों का पर्व भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष के साथ साथ दिल्ली में भी नवरात्रों को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाना लोग पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के मंदिरों में भी नवरात्रे बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो नवरात्रों में आपको दिल्ली के इन 5 मंदिरों के दर्शनों के लिए अवश्य ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पे माँ दुर्गा साक्षात निवास करती है तथा अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें कृतार्थ करती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इन मंदिरों में सबसे पहला मंदिर आता है छतरपुर मंदिर, साउथ दिल्ली स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इतना ही नहीं, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर भी है। मंदिर की स्थापना 1974 में हुई थी। यह मंदिर गुड़गांव मेहरौली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। येलो लाइन से हुड्डा सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो में छतरपुर स्टेशन है। बता दें कि यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यह एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। मंदिर परिसर में खूबसूरत लॉन और बगीचे हैं जो यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों, दूसरा मंदिर है कालकाजी मंदिर, साउथ दिल्ली स्थित। कालकाजी मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। माँ के भक्त दर्शन यहाँ करने पहुँचते हैं। कालका काली का ही एक दूसरा नाम है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से माना गया है और हर काल में इस जगह का स्वरूप बदला है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली ने असुरों के संहार के लिए यहाँ पर अवतरण लिया था। तब से यह मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर में उनके परम भक्त बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया था। मंदिर जाने के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कालकाजी मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर पड़ता है। दोस्तों, अगला मंदिर है झंडेवाला मंदिर, सेंट्रल दिल्ली स्थित। झंडेवाला मंदिर देवी का अपना ही एक अलग स्थान है तथा एक अलग ही महत्व है। इस समय जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है, पहले वहाँ स्थान अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला थी। इस मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि इस स्थान की खूबसूरती देखकर अक्सर लोग यहाँ साधना के लिए आते थे, जिसमें से एक बद्रीदास नामक व्यापारी भी शामिल था। एक दिन व्यापारी साधना में लीन था तो उसे लगा मानो यहाँ कोई मंदिर है जो पहाड़ों में दबा हुआ है। तब उस व्यापारी ने जमीन की खुदाई करवाने का निर्णय लिया। खुदाई के दौरान व्यापारी को यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले तथा उसमें एक झंडा लगा हुआ था, जिसके बाद से ही इस मंदिर का नाम झंडे वाला रख दिया। इस मंदिर के लिए भी आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर पड़ेगा। दोस्तों, अगला मंदिर है हमारा शीतला माता का मंदिर। दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित है शीतला माता देवी। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। यहाँ साल में 2 बार एक एक माह का मेला लगता है। इसके अलावा नवरात्रि में शीतला माता के दर्शन के लिए कई प्रदेशों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, पुराणों में भी शीतला माता का जिक्र किया गया है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। शीतला मंदिर में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ह्यासीन देखा गया है। दोस्तों, आखिरी मंदिर है आपका कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है उसे सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण महाभारत के समय पर हुआ था। इसका जीर्णोद्धार 1724 में कराया गया था। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है और नवरात्रों के दिनों में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। अगर आप दिल्ली के किसी होटल या किसी भी रिश्तेदार के घर में रुके हैं
तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से इस मंदिर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे दिल्ली के 5 ऐसे मंदिर जिन्हें सिद्ध माना जाता है तथा नवरात्रों के साथ साथ बाकी दिनों में भी यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।